नहीं बिल्कुल, और ये इस पे बहस पता नहीं कितने साल से चल रही है। एक हमारे पास में एक गेम था, हुआ करता था हॉकी, वो भी जो है धीरे धीरे बहुत पीछे चला गया। और मेरे ख्याल से सारे के सारे स्पोर्ट्स हर तरीके से गवर्नमेंट का सपोर्ट, लोकल अथॉरिटी का सपोर्ट मांगते हैं। जब वो सपोर्ट मिलता नहीं है, जब वो बॉडीज़ सपोर्ट नहीं करती हैं, जब वो बॉडीज़ ऑर्गेनाइज नहीं होती हैं, तो चीज़ें जो हैं कहीं पहुंचती नहीं हैं। और क्रिकेट इसीलिए, क्रिकेट की जो बॉडी है वो सारे बॉडीज से सबसे बेहतर है। वो सब कुछ होते हुए भी वो बॉडीज़ जो है इवेंचुअली क्रिकेट पे ध्यान देती है। सारे बॉडीज़ जितने भी हमारे खेल के हैं वो उतने अच्छे नहीं हैं, उतने प्रोफेशनल नहीं हैं, ना वो ना फुटबॉल या फुटबॉलर पे उतना ध्यान दे पाते हैं। शायद इसकी वजह से बाकी स्पोर्ट्स आगे नहीं आ पाए। इस बार नेशनल अवार्ड में थी, इस बार तो नहीं दिया मुझे, कोई दूसरी फिल्म के लिए मिल जाए तो पता नहीं, अब आगे देखिए। लेकिन फिल्म बहुत अच्छी बनी है, ये मेरे करियर की ये एक उच्चतम दर्जे की फिल्म है। और जब मेरी पाँच दस फिल्में गिनी जाएंगी उसमें बुधिया सिंह का नाम ज़रूर आएगा। इसका रोल कर रहा हूँ, वो जूडो कोच थे और इन्होंने कहा कि 7 दिन में जूडो सीख के दिखाइए। तो मैंने इनसे कहा कि पहले ये बताइए कि कितने जूडो को शॉट्स हैं। उसके हिसाब से 7 डेज बेसिक कोचिंग जो मेरी हुई उसमें मैं डरा हुआ था कि कहीं हड्डी पसली मेरी टूट ना जाए ताकि इनकी शूटिंग रुक जाएगी। फिर तो 7-8 दिन जो था वो मेरे लिए बहुत ही, मैं हमेशा जूडो की ट्रेनिंग में बहुत डरते हुए जाता था। बाकी रनिंग, कीपिंग फिट, फिटनेस, डिसिप्लिन, ये सब मेरे अंदर में बहुत ज़्यादा है और मेरे ख्याल से आजकल के सारे एक्टर्स में हैं, तो उसकी कभी चिंता नहीं हुई मुझे रनिंग को लेकर।